जाओ। हाँ ना रे, डर लग रहा। तो जो है गाइस, अब हम जा रहे हैं घर से खेत पर सामान लेके। देख सकते हो ये मोटर है, ये पाइप है, ये बचकुट्टा है, ये तार है, ये फोड़े हैं, इसके अंदर मोटर का सामान है, बोल्ट वगैरह, चाबी है। तो हम जा रहे हैं खेत पर, जाके इसको उतारेंगे, फिट करेंगे मोटर। तो जो है फ्रेंड, हमने वहाँ पर गड्ढे में मोटर फिट करा दी है। काफ़ी मुश्किल से मोटर गड्ढे में गई है। अब जो हम पानी लेकर जा रहे हैं बोर में डालने के लिए। बहुत कड़ा लगता है हमारे खेत में पानी। अभी हमें डीजल भी लेकर आना है और जनरेटर भी आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर मोटर फिट हो गई है। अब हमें जाना है डीजल लेने के लिए, फिर लगाते हैं इसमें पचकुट्टा, फिर देखते हैं स्टार्ट करके पानी उठाती है मोटर या नहीं। और जो हमने गेहूं लगाए थे वो काफी बड़े हो चुके हैं। तो जो है अब हम अपने शहर जा रहे हैं डीजल लेने के लिए। जिस शहर का नाम है बिलासपुर, वहां पर जा रहे हैं हम। तो है गाइस, यहाँ पर हमने डीजल ले लिया है और हमने जनरेटर वालों से बात की, तो बोल रहे हैं कि भेज रहे हैं जनरेटर 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर। चलिए अब चलते हैं इस पाइप को खोल के सुखा लेते हैं, धूप में फैला देते हैं इसको। जनरेटर भी आने वाला है कुछ देर में। सारा काम हो चुका है, बस खाली अब जनरेटर रह गया है। जनरेटर आएगा फिर मोटर को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं पानी आता है या नहीं, क्योंकि पानी भी उठाने में काफ़ी टाइम लगता है मोटर को। हम यहाँ पर आ चुके हैं कनेक्शन करने के लिए, अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो जो है हमारे भाई हैंडल मारने के लिए गए हैं, और ये एक तार ऐसी है, इसको जो है प्लास से पकड़ के लगाएंगे, फिर देखते हैं मोटर पानी उठाती है या नहीं। अरे जनरेटर में पानी डालने पहले, हाँ पानी भी तो नहीं है। लगाऊं लगाऊं, तो जो है गाइस यहाँ पर तार चिपक गए हैं। हवा आ रही है, हवा। तो जो है यहाँ पर मोटर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जो है मोटर ठीक हो गई है। अब ये मोटर चल रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा, खाली हवा आ रही है।